आज आपको मैथमेटिक्स की सेकंड चैप्टर करना है। मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर आते हैं। 2.1 से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि 2.1 एक्सरसाइज में यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हम जीरो फाइंड करेंगे या फिर जीरो को ग्राफ पर कैसे काउंट करेंगे, देन ये ग्राफ है, इसमें ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यहां से कोई कर्व ग्राफ खींचते हैं ऐसे, तो कर्व ग्राफ खींचने पर वह कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर जाता है तो वो एक्स एक्सिस को कहां कहां पर या कितनी बार ग्राफ पर उसे काटता है या फिर हम कहें इंटरसेक्ट करता है, तो वो ग्राफ को इंटरसेक्ट यहां पर एक्स एक्सिस को ग्राफ पर कितनी बार इंटरसेक्ट करता है हमें ये काउंट करके लिखना है। वो इस ग्राफ एक्स के लिए जीरो होंगे। सपोज जैसे ये कर्व है, ये ग्राफ जो ना ये कर्व ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट ग्राफ को एक्स को इंटरसेक्ट करता है साथ ही वाई को इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पर एक्स में जीरो की वैल्यू यहां पर होगी 1। वन टाइम इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर जीरो नंबर ऑफ जीरो होंगे 1। एंड सेकंड अब कर्व हम ऐसे लेते हैं, अब ये ग्राफ को जहां पर दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरो यहां पर होंगे कितने 2। यहां देखिए यहां पर ये ग्राफ नहीं करता है, देन यहां पर जीरो होंगे क्या, जीरो नंबर ऑफ जीरो जीरो, तो यहां पर आपको जीरो काउंट करना है। ग्राफ में हमें देखना है कि कर्व में एक कर्व खींच रखा है, कर्व ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ऊपर जाता है, तो ये कर्व कहां पर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है या फिर एक्स एक्सिस को कितनी बार उसको छूते हुए जाता है, टच करते हुए जाता है, तो जहां पर ये इसे इंटरसेक्ट करता है जितनी बार इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को वहां पर जीरो उतने ही होंगे। नंबर भी काउंट करना है हमें, यहां पर वन टाइम इंटरसेक्ट किया तो जीरो आया, टू यहां पर दो बार इंटरसेक्ट किया मीन जीरो नंबर ऑफ जीरो टू, एंड यहां पर इंटरसेक्ट करता है चार बार देन जीरो और सात फोर, यहां पर एक बार भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है नंबर ऑफ जीरो जीरो। इस तरह से हमें जीरो काउंट करना है।
ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टी एक्स आर गिवन इन फिगर। फिगर नंबर भी है, नंबर हम डाले बुक के अकॉर्डिंग तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ना डाले ना डाले। क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 ग्रो। यहाँ फिगर नंबर डालें, हमें एक्सरसाइज और नोटबुक पर करनी है तो हम फिगर नंबर नहीं भी डालें। द गिवन फिगर फॉर सम पॉलीनोमियल्स टी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, जीरो फाइंड करना है of px in each case। बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको तीन, यहाँ पर तीन क्वेश्चन बना दिए ग्राफ के एक्स वाई एक्सिस पर। यहाँ देखें एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ए ओ। अब वहां पर कर्व ग्राफ खींचा हुआ है और वो कर्व ग्राफ यहाँ देखें, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है टू एक्स एक्सिस, then number of zeros are zero, here zeros are zero। second number पर आते हैं, ये x axis को पर one time intersect करता है, mean number of zero one।
थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कर्व जो है थीटा इंटरसेक्ट करता है 1, 2, 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस आर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कर एक्स एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट करता है देन जीरो सर नंबर ऑफ किलो 2। फाइव नंबर पर 1, 2, 3, 4 4 टाइम देन जीरो। नेक्स्ट सिक्स नंबर 1, 2, 3 नंबर ऑफ जीरो 3।
तरह से आपका ये 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पर हमारा 2.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। नेक्स्ट रिव्यू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 2.2 एक्सरसाइज आप निकाल लीजिए। Question is, find the zero of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient. यहाँ पर आपको इसे factorization method से इस quadratic polynomial को solve करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पहले भी लास्ट टाइम 9th क्लास में सिखाया गया था सबसे पहले आपने x स्क्वायर और 8 आपने यहां पर सबसे पहले ये x स्क्वायर एंड 8 मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई रफ में करेंगे और रफ में करेंगे यहां पर हम उसे याद रखेंगे। चलिए ये आया 8x स्क्वायर। अब यहां पर मिडिल टर्म देखें, यहां पर ये है 2x। आपने करना यहां पर ये जो 8x स्क्वायर है टेबल पढ़ना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर हमको करने हैं, इसके वो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आना चाहिए और अगर उनका सम करें या फिर माइनस करें तो मिडिल टर्म में लिखा हुआ क्या है 2x, तो 2x आना चाहिए। सपोज 4 2 जा 8 इसी तरह ये सेकंड टर्म है, हमें यहां पर 2x लाना था, ये रहा 2x, चलो लिखेंगे 4x माइनस 2x, वही नंबर है जिन नंबर्स के टेबल पढ़ने पर उनको उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आए और उन्हीं दोनों जिन नंबर को पढ़ने पर 8x स्क्वायर आया है उन्हीं नंबर को प्लस करो या फिर माइनस करो, वो
वो मिडिल टर्म का नंबर आना चाहिए, जैसे यहां -2x का 2x आना चाहिए। हमने क्या किया 4x से 2x को माइनस करेंगे। और आप यहां पर जब भी सवाल सॉल्व करें तो ये ध्यान रखें आपको करना ये है, बड़ा वाला नंबर पहले रखना है और छोटे वाले नंबर को बाद में रखना है। चाहे आप कोई भी टेबल पढ़े 4 3 8 पढ़ते या फिर 2 4 8, लेकिन 2 4 8 पढ़ेंगे तब भी हमने 4 से ही 2 को माइनस करना है, 2 से 4 माइनस नहीं करना है। अगर हम 4 से 2 माइनस करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन के साइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे। सपोज x2 एज इट इज लिखा है वैसे ही लिखा है, तो वहां पर हम रिप्लेस करते हैं 2x की जगह पर 4x माइनस 2x, ये रिप्लेस किया। एंड लास्ट नंबर 8 एज इट इज रहने दिया जैसा था वैसा ही। हम यहां से ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बाहर माइनस है, माइनस के साइन से ये 4x क्या होगा माइनस 4x, एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस 2x से करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2x से करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अभी हमने क्या करना है, अभी ये पहले जो पॉलीनोमियल था वो वहां पर उसमें केवल 3 टर्म थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मिडिल टर्म के हमें फैक्टर करने थे हमने कर लिए। अब यहां पर टर्म है 4, दो दो टर्म से क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, हमें कॉमन नंबर लेना है। कॉमन नंबर को लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो कॉमन नंबर क्या ले सकते हैं, कॉमन नंबर को लेना है जिस नंबर से हम x2 और x2 और इस 4x इन दोनों नंबर में डिवाइड कर सकें, या फिर वो नंबर जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो, ऐसा नंबर जिससे इन दोनों में डिवाइड किया जा सके वो नंबर हमने कॉमन लेना है। हमने यहां ले लिया x, अगर हम यहां से x लेते हैं तो अब ये वाले x से इन दोनों नंबर में डिवाइड करो, जो बच जाए जो डिवाइड करने पर आ जाए वो याद रखना। x से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा क्या x, फिर माइनस का साइन है वो लगा देते हैं, फिर x से 4x में डिवाइड करेंगे, 4x में डिवाइड करेंगे तो x से x खत्म, बचा क्या अपने पास माइनस का 4, प्लस का साइन लगाओ। अभी इन दोनों से भी कॉमन लेना है, यहाँ पर जो साइन है वो साइन लगाएंगे, अगर प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का हो तो माइनस रखेंगे। अभी यहाँ से इन दोनों से कॉमन लेना है, यहाँ से वो नंबर कॉमन ले सकते हैं जिस नंबर से इन दोनों में डिवाइड कर पाए, तो यहाँ हम डिवाइड कर पाएंगे इससे 2 से, 2 2 2 4 8, तो जिस नंबर से डिवाइड करते हो नंबर लिखते हैं यहाँ। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचा है क्या एक्स, और प्लस का साइन है तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 4 8, माइनस लगा दो ये आ गया। अभी यहां पर फैक्टर कौन ये आ गया, अब क्या करना है कॉमन लेना है, तो यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे x माइनस 4 से, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं x माइनस 4 से, ये कॉमन फैक्टर है तो इसे हम अलग लिखते हैं। देन सेकंड फैक्टर क्या रहेगा x प्लस 2, इस तरह से इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हम यहां पर 0 पॉइंट करेंगे, तो लिखेंगे इफ x माइनस 4 इज इक्वल 0, तो इक्वल साइन के दूसरा ले आएंगे x इक्वल टू 4, एंड सेकंड कंडीशन इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू प्लस 2 की जगह लिखेंगे माइनस का 2, साइन चेंज हो जाएंगे, देन यहां लिखेंगे क्या जीरो आर फोर एंड माइनस टू, यहां पर जीरो क्या है 4 और
माइनस टू है। अब हम इसके बाद इसमें हम निकालेंगे रिलेशन। अभी आप इसे नोट कर लें, उसी क्वेश्चन में अब हम लिखेंगे सम ऑफ एक्स जीरो तो क्या आया था फोर और साथ में सेकंड क्या था माइनस टू इक्वल टू। यहां पर नीचे कोई नंबर नहीं है, नीचे कोई नहीं है तो हम नीचे क्या लिखेंगे वन। देन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड नेक्स्ट नंबर नीचे का क्या है वो रिलेशन लिखना है आपको। ये रहा इस तरह से लिखना है आपको, हमारे पास जीरो था, जीरो थे फोर एंड माइनस टू, रिलेशन निकालना था सम और कोएफिशिएंट में, हम लिखे सम ऑफ एक्स जीरो, सम ऑफ जीरो जीरो में फोर प्लस माइनस टू, फोर से टू माइनस करेंगे टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो वहां पर लिखेंगे वन। अब ये टू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल माइनस टू एक्स था then two क्या है coefficient of x and one क्या है coefficient of x square। अब product of zero लिख लेते हैं, minus eight अपॉन वन माइनस एट में इट इज कॉन्स्टेंट टर्म और वन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें, अदरवाइज कल फिर इसी क्वेश्चन में फिर से शुरू करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम फिर पूछ सकते हैं। आज की क्लास आपकी यही समाप्त की जाती है। गुड बाय।